आज हमारे गेस्ट हैं इमाद वसीम, कराची टीम के कप्तान। बाबर आपको पता कैसे खेलता है, दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, कोई जेलसी पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं। अफसोस तो नहीं हो रहा रिजवान की खिदमत से महरूमी का? वो PSL में भी परफॉर्म करे हमारी टीम को हटा के, हमारी टीम के खिलाफ ना करे, बाकी PSL में परफॉर्म करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। PSL के हवाले से हमने खुसूसी प्रोग्राम्स तैयार किए हैं जिसमें तमाम कप्तानों के इंटरव्यूज शामिल हैं। आज हमारे गेस्ट हैं इमाद वसीम, कराची किंग के कप्तान, सबसे इम्पोर्टेंट टीम है क्योंकि दिफाई चैंपियन है। उनसे बात करेंगे टीम की तैयारियों के हवाले से, बाबर आजम के हवाले से, शर्जील खान, और भी बहुत सारे सवाल सोचे हुए हैं, तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और आपकी टीम दिफाई चैंपियन है लेकिन सिर्फ 3 महीने ही मिले आपको क्योंकि पेंडेमिक की वजह से फाइनल डिले हुआ था, तो 3 महीने के चैंपियन और अब प्रेशर भी होगा एजाज के दिफा का यकीन तौर पे आप। देखें अल्लाह का शुक्र है जो हमने खेला, बहुत अच्छा खेला। प्रेशर तो इस तरह कोई नहीं है क्योंकि नया सीजन है और नई टीम है, मोस्ट ऑफ द टीम वही है लेकिन थोड़े नए हैं, सो एक्साइटिंग है, बहुत सारे लड़के एक्साइटेड भी होंगे आई एम श्योर। अभी तो मिल नहीं सका लेकिन आई एम श्योर सारे एक्साइटेड होंगे। तो पिछले सीजन की यादें बताएं, परफॉर्मेंस आपकी टीम की बड़ी अच्छी थी, 5 मैचेस पहले आपने जीते, बाद में फाइनल तो बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया था। देखे टीम कॉम्बिनेशन अच्छा था, आई थिंक जो हमने बॉलिंग आके की है प्लेऑफ में वो बहुत जबरदस्त थी, विकेट को यूज अच्छी तरह किया, जितने भी फास्ट बॉलर्स थे, स्पिनर्स थे, सो आई थिंक टीम कॉम्बिनेशन था। उसके बाद जिस तरह फिर बाबर आपको पता कैसे खेलता है, दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, मैं तो 5 साल से यही कह रहा हूँ दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, और जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह उसने वन साइडेड लेके किया, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव था हमारे लिए। बाबर का आपने जिक्र किया, लोगों को शायद इतना पता नहीं है, वो यही कहते हैं कि जी वो नेशनल कैप्टन है, यहाँ इमाद के साथ उसको शायद मसाइल होते हों, लेकिन मैंने आपसे पहले भी ये पूछा था, आपने मुझे ये बताया था, और लगता भी नहीं है, लगता ऐसा है आप लोग की दोनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और कोई फील्ड में बिल्कुल कोई कैप्टनसी वगैरह को लेके कोई मसला नहीं होता। लुक मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो भी जॉब मिलती है चाहे वो पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी है चाहे फ्रेंचाइज टीम की कैप्टनसी है, एज अ प्रोफेशनल वो जॉब आपको लेनी चाहिए। इफ फ्रेंचाइज हैज गिवन मी दी अपॉर्चुनिटी, सो मुझे वो जॉब जस्टिफाई करनी है और कोशिश करना है कि उस जॉब को करूं और उस जॉब को ले सकूं, और जिस तरह बाबर पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी कर रहा है, आई थिंक बहुत ज़बरदस्त कैप्टन अभी तक वो साबित हुआ है, और आई एम श्योर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि एक प्रोफेशनल एथलीट है, उसकी ये जॉब है जो सर्टेन इदारे ने आपको दी होती है, तो इट इज़ ये सिर्फ हाइप बनाने के लिए होगा या कुछ होगा, हमारे नज़र में कुछ ऐसा नहीं है और कोई जेलसी पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ऐसी चीज़। कोचिंग पैनल भी आपका चेंज हुआ है, हेड कोच भी पिछले साल डीन जॉन्स की बड़ी सैड न्यूज सामने आई थी और आपने फतेह बाद में को डेडिकेट भी की थी, तो इससे किस हद तक फर्क पड़ेगा? देखें आई डोंट थिंक कोई ऐसा फर्क पड़ेगा क्योंकि जिस तरह हमारा गेम प्लान है, जिस तरह हम लोग उसको फॉलो करते हैं कराची, हम उसी तरह ही खेलना चाहेंगे, और आई थिंक कोच भी ऑन बोर्ड होंगे इसी बात को लेके, और इस तरह की कोई ऐसी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी फिक्र होगी क्योंकि प्लेयर्स जो हमने भी उठाए हैं वो सीजन प्लेयर हैं, बहुत प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और T20 स्पेशलिस्ट हैं सारे। सो आपकी टीम में फिर बाबर आजम पाकिस्तान का कप्तान, डैनियल क्रिस्टन है, नबी अफगानिस्तान की कप्तानी कर चुका है, इतने अच्छे प्लेयर हैं, सो आई डोंट थिंक इस तरह का कोई इशू होगा और प्लेयर्स और कोच साथ मिलके लेके जाएंगे। मोहम्मद रिजवान कैरियर की बेहतरीन फॉर्म में है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इस बार आपकी टीम को उनकी खिदमत हासिल नहीं होगी, तो अफसोस तो नहीं हो रहा रिजवान की खिदमत से महरूमी का? लुक जहाँ तक रिजवान की बात है, आई थिंक जितना उसने इम्प्रूव किया, जितना उसने मेहनत की, अल्लाह ताला ने उसकी मेहनत का फल दिया, ऑब्वियसली बात है कि अगर वो हमारी टीम में होता तो और अच्छा हो जाता हमारे लिए, हमारी टीम के लिए और स्ट्रॉन्ग हो जाता, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। जिस तरह
हम लोगों ने क्रिकेट खेली है, जिस तरह हम लोगों ने अडॉप्ट किए कंडीशंस को, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर रिजवान है, क्योंकि हम जब वो नहीं भी खेल रहा था तब भी वो मेहनत कर रहा था और अल्लाह ताला ने रिजल्ट उसके हक में दिया और बहुत से लोगों को रॉन्ग प्रूफ किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इन क्रिकेट। आपको दूसरे को रॉन्ग प्रूफ करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। मुझे तहे दिल से खुशी और मेरी दुआ है रिजवान के साथ कि वो PSL में भी परफॉर्म करे, हमारी टीम को हटा के, हमारी टीम के खिलाफ ना करे, बाकी PSL में परफॉर्म करे। इस बार जो आपकी टीम का कॉम्बिनेशन बना है उससे मुतमईन है जो प्लेयर्स का इंतखाब हुआ है फॉरन और पाकिस्तान? जी जी बिल्कुल मुतमईन है। आई थिंक हमें जो प्लेयर्स चाहिए थे हमने वही पिक किए हैं, राइटली सो। आई थिंक मेरी नज़र में बहुत कम वीक लिंक है इस टीम में। आई थिंक सीजन प्लेयर उठाए, एक्सपीरियंस प्लेयर्स उठाए हैं, सो वेरी हैप्पी अबाउट द सिलेक्शन। आपकी अपनी फिटनेस भी काफी अच्छी लग रही है, बिग बैश में भी आपने काफी मैचेस खेले, तो जो पहले एक टैग लगा हुआ था कि माद की फिटनेस अच्छी नहीं है उसको तो आपने उतार फेंका है दूर। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी वर्क किया फिटनेस पे। आई थिंक यही वो चीज़ है थोड़ी सी जो आपको 1% थोड़ा एक्स्ट्रा माइल और एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करनी पड़ती है, तो इससे रिजल्ट अच्छे होते हैं। सो आई थिंक काफ़ी अच्छा डाइट का ख्याल रखा हुआ है और काफ़ी बेहतर हो गई है और इससे भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि PSL में भी ये कंटिन्यू करूं जो मैं वर्कआउट करूं, सो आगे जाके और ज्यादा फिट हो जाऊं। शर्जील खान आपकी टीम में शामिल हैं लेकिन उनकी फिटनेस के हवाले से काफी सवाल उठते हैं, खासतौर पे वजन के हवाले से, कहते हैं कि वो ओवरवेट हैं, तो शर्जील के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, फॉर मी ये मेरा ओपिनियन है, ये हमारी कराची का टीम का ओपिनियन है। ही इज वन ऑफ द, इफ नॉट द बेस्ट, बट वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन T20 क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। सो उसने प्रूव पहले भी किया हुआ है और मेरी दुआ है उसके लिए कि वो इस सीजन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करे। जहाँ तक फिटनेस की ताल्लुक है, वो तो आई थिंक अगर वो इम्प्रूव कर सकता है तो वो बिल्कुल करेगा और उसको करनी चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। आई थिंक मैं उसको हमेशा से, एज अ क्रिकेटर मैं उसको हमेशा से फॉलो करता था, उसके साथ भी खेला हूँ। आई थिंक बहुत डेंजरस प्लेयर है और आप सबको भी पता है कि वो बहुत डेंजरस प्लेयर है, लेकिन इंशाल्लाह ये जो PSL है, मेरी पूरी उम्मीद है कि शर्जील खान इस PSL में एक स्टार की तरह, राइजिंग स्टार जो वो पहले थे उसी तरह उभरेंगे, और क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास का पूरा सीजन खेला है, वनडे कप खेला है, सो कॉन्फिडेंस आ जाता है क्रीज पे खड़े होने का, ग्राउंड में रहने का। सो आई थिंक वो इस सिस्टम में वापस आया है, ये सीजन उसने खेला है, तो और कॉन्फिडेंट होगा। सो आई थिंक ही इज द की प्लेयर इन इन आर टीम विद बाबर आजम। सो इंशाल्लाह ये ओपनिंग जोड़ी अच्छी लगेगी। PSL 6 में फिर किस टीम को समझ रहे हैं सबसे बड़ा खतरा अपने टाइटल की राह में? लुक, सारी टीमें बराबर हैं। लास्ट टाइम भी सारी टीमें बहुत तगड़ी थी। आई थिंक इस्लामाबाद की अच्छी टीम थी, क्वालिफाई नहीं की, और इतनी जबरदस्त टीम थी, क्वालिफाई नहीं की, लेकिन अब जो PSL का स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई हो गया। आप किसी भी टीम को फेवरेट नहीं कह सकते, ऑन पेपर सारी टीमें स्ट्रॉन्ग है, सब बैलेंस्ड है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हार्ड वर्क, प्लस लक ऑल्सो मैटर्स। सो इसमें मैं यही कहूंगा, जो टीम अच्छा खेलेगी ऑन अ गिवन डे वो ही जीतेगी, क्योंकि सब टीम्स इक्वल हैं। बहुत शुक्रिया इमाद, और हमारी भी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। इमाद वसीम की गुफ्तगू आपने सुनी, वो एजाज के दिफा के लिए काफी पुरअज़म है, बाबर आजम के हवाले से उन्होंने कहा कि वो उनके मेन प्लेयर होंगे और कैप्टनसी को लेकर दोनों में कोई जेलसी नहीं है। शर्जील खान के हवाले से भी उन्होंने इसी किस्म के ख्याल का इजहार किया कि वो एक नए रूप में नजर आएंगे, तो देखते हैं क्या होता है, कराची किंग की टीम कैसा परफॉर्म करती है। इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।